हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम तिरंगा ब्रेड पकोड़ा बनाने जा रहे हैं, जो एकदम अलग है। ये ब्रेड पकोड़े खाने में जितने टेस्टी और चटपटे लगते हैं, उतने ही देखने में भी सुंदर लगते हैं। ये हमारे झंडे के तीनों रंगों को रिप्रेजेंट करता है और आज की हमारी रेसिपी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। जो लोग ज़्यादा ऑयली होने की वजह से ब्रेड पकौड़ा खाना अवॉइड करते हैं, वे लोग भी इसे काफी पसंद करेंगे। नमस्कार, शाश्वत रसोई में आपका स्वागत है। तिरंगा ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। यहाँ हमने व्हाइट ब्रेड ले ली है, बेसन एक कटोरी, हरी धनिया की चटनी। यहाँ धनिया, मिर्ची और लहसुन को हमने मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लिया है। टोमेटो केचप या टमाटर की चटनी भी बनाकर रख सकते हैं। ये 4-5 उबाल कर आलू हमने छील कर ले लिए हैं। ये लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना लिया है। नमक स्वादानुसार और तलने के लिए तेल, और हमने पानी ले लिया है। अब एक प्लेट में एक एक आलू लेकर कटोरी से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसी तरह सारे आलूओं को हमें मैश कर लेना है। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, अब इसमें हम लहसुन और मिर्च के पेस्ट को मिला लेंगे। नमक भी इसी में मिला लेते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे एक साइड में रख दिया। अब एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम बेसन ले लेते हैं। पूरा बेसन हमें ले लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक अच्छा बैटर तैयार करना है। याद रहे, पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अगर एक साथ ज़्यादा पानी डालकर फेटेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालकर ही फेटते जाना है। अब हमारा बैटर एकदम तैयार हो चुका है। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं। हमने एक गिलास पानी लिया था, उसमें से ये बच गया है। अब एक ब्रेड स्लाइस ले लेते हैं। इस पर हमें आलू का जो पेस्ट है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा लेके हमें अच्छे से इस पर एक बराबर स्प्रेड करना है। लेयर ना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा पतली हो। अब एक ब्रेड और लेके इस पर लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हमें लाल चटनी अच्छे से स्प्रेड करनी है। इसको भी हम एक बराबर लगा लेंगे और एक ब्रेड लेके इस पर भी लगा देते हैं। अब ब्रेड की साइड पलट देंगे और हरी चटनी ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से पूरे ब्रेड पे हरी चटनी को स्प्रेड कर लेना है और इस पर भी एक और ब्रेड चिपका देना है। अब अच्छे से हमें इसको दबा लेना है। इसी तरह और बाकी के ब्रेड भी हम कर लेंगे। याद रहे, बीच में हमारा आलू का पेस्ट है
और दोनों साइड में एक साइड हरी चटनी और एक साइड में लाल चटनी है। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमने तैयार ब्रेड किए थे उसको बेसन के घोल में अच्छे से बेसन लगा लेंगे और बड़ी सावधानी से इसे तेल में धीरे से डाल देंगे। इसे कढ़ाई में डालते हुए बहुत सावधानी से डालें, नहीं तो जल सकते हैं। और इसे धीरे धीरे आप चलाते हुए तल लीजिए। अब इसको बड़ी सावधानी से पलटेंगे। इसके लिए हम दूसरे किसी चीज का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आराम से पकड़ के चिमटे से पलट सकते हैं। ब्रेड हमारा लगभग अच्छे से सिक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे और सारे ब्रेड इसी तरीके से तल लेंगे। अब तले हुए ब्रेड पकौड़े को हमें क्रॉस कटिंग कर लेनी है। एक बार ऐसे कटिंग करेंगे, फिर दो पीस हो गए। अब इस ट्रायंगल को भी दो छोटे ट्रायंगल में काट लेना है, ऐसे इस तरह से काट लेंगे। है ना एकदम परफेक्ट तैयार। अब इसके साथ हमें लेनी है एक कप चाय। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।